चला करके एक बेरोजगारी का पोर्टल हम लोगों ने जारी किया था, एक टोल फ्री नंबर मिस्ड कॉल नंबर जारी किया था। उसके लिए हम आप लोगों को सूचना देना चाहेंगे, जो बेरोजगारी पोर्टल है उसमें लगभग 947,324 बेरोजगार नौजवानों ने अपने बायोडाटा के साथ रजिस्टर किया है। मैं फिर से आग्रह दोहरा दूं, जो वेब पोर्टल था बेरोजगारी हटाओ पोर्टल, उसमें बेरोजगार नौजवानों ने लगभग 947,324 की संख्या में रजिस्टर किया है। वही 5 अगस्त को रिलीज किया वही मिस्ड कॉल नंबर पर लगभग 13,11,626 लोगों ने मिस्ड कॉल मार करके रजिस्टर किया, यानी इसका कुल आंकड़ा जो बनता है वो है 22,58,000। 5 सितंबर 22 लाख टोटल जो आंकड़ा बनता है 22,58,950 लोगों ने रजिस्टर किया है मिस्ड कॉल, 13,11,626 13,11,626। आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में व्यापक बेरोजगारी की समस्या है, हमारे नौजवान पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के बेरोजगार है, जिनको रोजगार था उनका भी रोजगार जो है वो छिन गया है। और इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार लॉकडाउन से पहले भी हम लोग जो है यात्रा पर निकले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन लगातार हम लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी पार्टी गंभीर है, हमने पहले भी कहा था, इसको लेकर के हमारी एक्सपर्टीज जो है इकोनॉमिस्ट जो है उनसे बातें चल रही है, जो इस विषय के उसमें भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बातें चल रही है कि बिहार जो है खासतौर पर पूरे देश भर में सबसे युवा प्रदेश जो है वो बिहार है, और लगभग 60% युवाओं की यहाँ आबादी है, लेकिन बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है इस देश में। सबसे ज्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी बिहार में ही है। और हमने पहले भी जो दर बताया था, आंकड़ा बताया था, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 46.6% जो दर है बेरोजगारी का है, ध्यान से सुनिएगा, ये गंभीर मसला है। 46.6 जो परसेंटेज है वो बेरोजगारी का है। हम लोगों ने लोगों को कहा था कि हम लोग बेरोजगारों नौजवानों के साथ हैं, और आने वाले समय में अगर हमको मौका मिलेगा तो ये जो भारी व्यापक जो समस्या जो है इसको हम लोग दूर करेंगे। ये वादा नहीं है बल्कि मजबूत इरादे के साथ हम लोगों ने इस पर काम किया। मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं कुछ आंकड़े भी आप लोगों के सामने रखेंगे, सवाल होगा कि भाई आप रोजगार कैसे दीजिएगा, रोजगार का सृजन आप कैसे कीजिएगा। मैं बिहार के नौजवानों युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी, 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। और ये वादा नहीं है, मजबूत इरादा है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। झूठ बोलने वालों को लोगों ने देखा है, जाना है। 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही जा रही थी,
दूसरी तरफ 15 साल में जिन लोगों ने सत्ता में राज किया, बिहार को कंगाल बना दिया। एक बिहारी पर लगभग 37,000 रुपए का कर्ज हो चुका है, 12.5 करोड़ की आबादी है, बिहार पर भार हो चुका है। इसलिए हम सब लोग इस चीज को लेकर के गंभीर थे। आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर के जो आवेदन जिन लोगों ने भरने का काम किया, रोजगार के लिए चपरासी की नौकरी में, ड्राइवर की नौकरी में, लगभग 5.5 लाख आवेदने जो है वो जमा की गई, केवल 250 पदों के लिए। हमने एक और आंकड़ा आप लोगों के सामने बोला था और नीतीश कुमार जी से पूछा था कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट, शिक्षा डिपार्टमेंट और आपका जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट है उसमें लगभग 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी है। अब आप लोग सब लोग सोच रहे हो कि नौकरियां आप कहां से देंगे, कैसे देंगे, लेकिन कोई ये सवाल नहीं पूछता कि नीतीश कुमार जी पैसा कहां से देंगे। अब तक तो सृजन नहीं किया रोजगार, नियोजनों के नाम पर ठगने का काम किया, और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं और स्थानीय नौकरियां हैं। सरकारी नौकरियां और स्थानीय नौकरियां हैं। अब आपके सामने हम कुछ आंकड़ा रखना चाहते हैं। पहले जिक्र था कि हम कैसे इस चीजों को भरेंगे, तो हम कैसे भरेंगे उसके पहले हम आंकड़ा जो है आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। अभी सुनिए, आप लोग पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए जितने लोग हैं। अब बात सुनिए, हो गया, अब ये आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लोग पूछते हैं कि क्या विजन है, कैसे पूरा कीजिएगा, तो हम ये कहना चाहते हैं इन आंकड़ों को हम बता दें। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय जो मानक है और जो WHO का जो है कि एक प्रति जो डॉक्टर है 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आप समझिए कि लगभग हमारा जो आबादी है 12.5 करोड़ की, 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस हिसाब से बिहार में 1,25,000 डॉक्टरों की जरूरत है। आप ध्यान से सुनिएगा, 1,25,000 डॉक्टरों की जरूरत है। उसी अनुपात में सपोर्ट स्टाफ यानी नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है, यानी स्वास्थ्य महकमे में लगभग 2.5 लाख लोगों की जरूरत है। जहां तक पुलिस की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, तो 50,000 पुलिस कर्मियों का पद जो है वो रिक्त पड़ा है। 50,000 पुलिस कर्मियों का पद जो है वो रिक्त पड़ा है। अगर यह तब है जब बिहार में पुलिस बल की पुलिस पब्लिक का अनुपात न्यूनतम स्तर पर पहुंचा हुआ है, यानी सबसे न्यूनतम स्तर पर है पब्लिक और जो पुलिस का जो रेशियो है, तब ये 50,000 की नौकरियां जो है वो रिक्त पड़ी हुई। अगर आप देखिएगा यहाँ प्रति 1 लाख आबादी के हिसाब से 77,000 पर एक प्रति लाख पर 77 पुलिस कर्मी, यानी 1 लाख आबादी में केवल 77 पुलिस कर्मियां ही सिर्फ हैं, 1 लाख पर 77 पुलिस कर्मी है। अगर मणिपुर छोटे राज्य की अगर हम बात करें, छोटे से राज्य की बात करें मणिपुर की, तो वहां 1 लाख पर 1,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मी मौजूद है। सोच लीजिए
जैसे मणिपुर जैसा प्रदेश जो है वहां 1 लाख की आबादी में 1,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी है, जहां हमारा बिहार 1 लाख पर 77 ही केवल जो है पुलिस कर्मी है, यानी राष्ट्रीय औसत से अगर हम लोग लेकर के चले तो लगभग दुगुना 144 प्रति 1 लाख आबादी है, यानी राष्ट्र औसत जो है 144 का, यानी बिहार इतना पीछे है कि लगभग डबल है राष्ट्र औसत। तो हम इतने सकती है, ये सारे पद सबसे इंपॉर्टेंट है जो खाली है, खाली है और कुछ पदे हैं जिसकी आवश्यकता है मानकों के हिसाब से। तो टोटल पुलिस का, बिहार पुलिस का जो स्ट्रेंथ है वो 1,26,000 ही है। सोचिए 12.5 करोड़ की आबादी और पुलिस कर्मी कितने, 1,26,000 है केवल। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कर दिए। नीतीश जी, ये हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है। हम जब 15 में थे 18 महीने आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरटी का, और आप महीने का आंकड़ा निकाल लीजिए 2015 के 18 महीने के बाद का, तो अपराध तो बढ़ गया। डबल इंजन की सरकार है, आप एनसीआरटी का आंकड़ा निकालिए, अपराध बढ़ने का कारण क्या है। 1 लाख में अगर 77 पुलिस कर्मी रहेगा तो आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं पुलिस से कि वो अपराध को कंट्रोल कर सके। तो आपको बता दें टोटल स्ट्रेंथ जो है, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए आप लोग सब लोग, तो आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य बिहार का टोटल स्ट्रेंथ जो है 1,26,000 है, यानी सिर्फ 77,000 कार्यरत पुलिस कर्मी है, जिसमें कि 50,000 रिक्त पदे थे। तो इसलिए राष्ट्र औसत से लगभग जो है बिहार में 1.72 लाख पुलिस कर्मी की जरूरत है। अगर राष्ट्र औसत का भी लेकर के चले दुगुना तो बिहार में 1,72,000 पुलिस कर्मी की टोटल जरूरत है। अब आइएगा शिक्षा विभाग में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पद जो है वो रिक्त है, जो 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पदे जो है वो रिक्त है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लगभग 50,000 प्रोफेसरों की आवश्यकता है। यानी अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की तो प्रोफेसरों की लगभग 50,000 हम लोगों की आवश्यकता है। राज्य में जूनियर इंजीनियरों का 66% पद जो है वो खाली है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है समय पर नहीं होता, 8 साल 10 साल वो लग जाता है। तो जूनियर इंजीनियर जो हर प्रोजेक्ट में जिसको लगाया जाता है ड्यूटी पर, बिहार में 66% जो है वैकेंट पोस्ट है, खाली पदे 66%। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, बिजली विभाग या अन्य विभाग में लगभग 75,000, मैं अपना गिना लूं 75,000 जूनियर इंजीनियरों की जरूरत है। इसके अलावा जितने लिपिकों हैं, सहायक है, चपरासी है, ये मिलाकर के लगभग जो 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ हो जिसकी जरूरत पड़े, इनका जो है लगभग आवश्यकता 2 लाख का है। तो ये सारा कुल आंकड़ा मिला करके टोटल जो है वो 10 लाख का बनता है। इसमें हम डिटेल में आप लोगों को प्रेस मीट भी व्हाट्सएप पे हम आप लोगों के भेज देंगे, जिसमें कि आप लोग आंकड़े सही रूप से देख सकती है। मेरा ये कहने का मतलब है कि
कि 4.5 लाख तो रिक्त पड़े थी और जो आवश्यकता था जो मानकों से उसको मिला करके जो जरूरत पदे हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कलम से जो निकलेगा यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदे जो है 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी है महत्वपूर्ण बात है, ये केवल सरकारी सेक्टर है, जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरी के बारे में हमने जिक्र की है, इसके अलावा भी जब कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी पार्क लगेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टूरिज्म में व्यापक सुधार होगा, पर्यटक आएंगे, रोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर, वो व्यापक रूप से रोजगार जो है सृजन का एक बड़ा माध्यम होगा। खेल कूद जगत सारी चीजों को अगर देखेंगे और जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सरकार की गलत नीतियों के कारण उसको तबाह कर दिया गया, उन सारे चीजों का जल्द ही हम आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट विजन कि उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, वहां हम रोजगार कैसे उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि बेरोजगारों को हम लोग स्थायी नौकरी रोजगार देने का काम करें, जो कि डूएबल था, किया जा सकता था। अब सवाल पूछे कि 15 साल राज करने वाले लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र क्यों बनाया, क्यों इतनी लाखों पद और इतनी पदों की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर हो, उनके सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्सेस हो, प्यून हो, चपरासी हो, हर जगह जो है व्यापक। और यहाँ बीपीएससी का तो हाल आप लोगों ने देखा ही, कोई भी प्रक्रिया जो है 4 साल 5 साल में भी पूरी नहीं की जा सकती, परीक्षा का जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, और जब आता है तो उसमें भी धांधली की जाती है। तो ये सारे विषयों पे हमारी सरकार जो है वो ध्यान देने का काम करे। जनता ने वोट बनाया है, जितने लोगों ने इनको ठगने का काम किया है, इस बार बिहार की जनता खासतौर पर नौजवान ठगाएगा नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठे लेकर के चलने का काम करेगा। इसलिए हम समझे कि ये बातें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। अब जवाब दें नीतीश कुमार, इन 15 सालों में आपने नौजवानों को बेरोजगार क्यों रखा, आपने उन नौजवानों को वो अधिकार क्यों नहीं दिया, आपने नौकरी के बदलाए लाठी क्यों मारा, ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। और व्यापक स्तर से जो है पूरे बिहार में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका अरबों अरबों रुपया लूटा गया है, लेकिन वो पैसा रिकवर क्यों नहीं किया गया। लोग काले धन की बात करते थे लाने की, लेकिन बिहार में सृजन घोटाला जैसा इतना घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, बीएड घोटाला हुआ, 7 निश्चय घोटाला हुआ, जनरल घोटाला हुआ, हर जगह आप देखिएगा तो घोटाले ही घोटाले आप लोगों के सामने नजर आते हैं।
इसका पैसा कहां गया? किससे पूछेगा साहब सवाल? हम किससे पूछे? हम तो नीतीश जी से पूछेंगे, वही मुखिया है 15 साल से है कि बिहार का लाखों अरबों करोड़ों रुपया कहां गया? उसके रिकवरी के लिए आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखाई। वो पैसा ना आपका था ना मेरा था, वो बिहार की 12.5 करोड़ बिहार की जनता का पैसा था, जिसको लूट मार करके आप लोगों ने बर्बाद कर देने का काम किया, खजाना की चोरी करवाने का काम किया गया, एस्टिमेट छुटा। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास कुछ बेरोजगारी या इस विषय पे अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग चाहेंगे कि इसका जवाब आप लोग दोस्तों के एक पर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। पिछले कुछ सालों में आपको लेकर विवाद हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, उसको लेकर के गवर्नमेंट को मॉनेटरी लॉस बहुत हो रहा है। हमने पहले स्पष्ट बोल दिया बेरोजगारी पे सवाल है तो पूछिएगा, ये सारी चीजें मैनिफेस्टो पे हम लोगों का काम चलता है, जल्दी विजन जो है आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये जरूरी था, हम आपको बता दें लगभग 22 आपको बताया जाएगा ना, भाग नहीं था अभी यही हम भी यही विषय भैया बेरोजगारी पे बात कीजिएगा तो आपके भी नाती रिश्तेदार होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, सब लोगों के हैं उनको। ये तो समझिए कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर किया इन चंद दिनों में, 5 सितंबर से लेकर के अब तक में 22 लाख नौजवानों ने बेरोजगारी को लेकर के खुद जो है उन लोगों ने बायोडाटा रजिस्टर किया है, डाला गया है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये समस्या है। बिहार को इन लोगों ने बीमार कर दिया। और नीतीश कुमार जी से भुखमरी पे बात की जाए, पलायन पे बात की जाए, गरीबी पे बात की जाए, बेरोजगारी पे बात की जाए तो कोई जवाब नहीं देते। ये बड़ा आश्चर्य लगता है। हम लोगों को गाली देना है स्वागत आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, लेकिन आप बिहार के मजदूरों का जब आप अपमानित करते हो, पैर पे छाले लगवाते हो, उनको चोर अपराधी कहते हो तो ये बर्दाश्त बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बिहार में उन मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया, याद कीजिएगा। वही मजदूर जो बाहर से आए, अपने ही बिहार के लोग थे जो रोजी रोटी में कमाने बाहर गए थे, उनको रोजगार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बिहार सरकार को देने का, लेकिन एक भी रोजगार उन लोगों को नहीं दिया गया। जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 2015 में बेरोजगारी की याद नहीं थी, नौजवानों की याद नहीं थी कि आप गरीब हो। दूसरा सवाल, आप सवाल जब सवाल कर रहे हैं तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत हमला करते हैं आपको, बात सुन। पहला सवाल 2015 की बात है, हम सरकार में थे, याद होगा डिप्टी सीएम थे, हालांकि जनादेश की चोरी हो गई, नीतीश जी तो भागे, लोग सुनते थे कि विधायक की चोरी होती है, विधायक खरीदे जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की चोरी हो गई, मुख्यमंत्री बिक गए। ये पहला ऐसा राज्य होगा। दूसरी पहली बात, हम मुद्दे 2015 में हम लोगों ने डोमिसाइल कानून की बात की, डोमिसाइल कानून की बात हम लोगों ने की थी, बगल का राज जो है की थी कि नहीं की थी? इसलिए की थी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। तो डोमिसाइल कानून दूसरे राज्य जो है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में तो 100% डोमिसाइल कानून जो है वो लागू कर दिया गया, झारखंड में भी 100% जो है डोमिसाइल कानून जो है लागू कर दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमारी बात को नजरअंदाज किया। तो ये बात, ये चीजें, ये चिंता तो हम लोगों की थी, जो बिहार का पैसा शिक्षा में, चिकित्सा में और आपका रोजी रोटी के लिए जो बाहर जाता है, ये तो चिंता हम लोगों की रहती है और हम लोग उस पर काम करते हैं। सरकारी नौकरियों के बारे में है, लेकिन इसके अलावा भी कारखाने आएंगे, उद्योग लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, आईटी पार्क लगेगा, सेल लगेगा, तो उसमें भी
व्यापक रूप में